आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, आज मैं आपको बताऊंगी कि भादो माह के शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए, और अगर आपने जाने अनजाने में दर्शन कर लिए हैं तो उसके क्या उपाय करने चाहिए। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भादो माह की शुक्ल चतुर्थी के दिन इंद्र के यहाँ देवताओं के भोजन का आयोजन किया गया। सभी देवता उस आयोजन में पहुँचे। जब सब भोजन कर रहे थे तो गणेश जी को भोजन करते देख चंद्रमा को हंसी आ गई। गणेश जी ने जब ये देखा कि चंद्रमा उनका उपहास उड़ा रहा है तो उन्होंने चंद्रमा को शाप देते हुए कहा कि जिस रूप के मान पर तू मेरा अपमान कर रहा है, आज से तेरे उस रूप को जो भी देखेगा उसे अपमान का सामना करना पड़ेगा। जाने या अनजाने में जो भी तुझे देखेगा उसे कलंकित होना पड़ेगा। गणेश जी से शापित होने पर चंद्रमा घबरा गए। वहां उपस्थित सभी देवता भी परेशान हो गए, क्योंकि यह बात किसी के हित के लिए भी ठीक नहीं थी और इस बात का प्रकृति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता। अंततः सब ने चंद्रमा से कहा कि वह गणेश जी से क्षमा मांगे। चंद्रमा ने गणेश जी से क्षमा याचना की। बार बार क्षमा मांगने पर गणेश जी ने कहा, मेरा यह शाप पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन जो भी मनुष्य आज के दिन यानी कि भादो माह की शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेगा उसे अवश्य ही झूठे आरोप का सामना करते हुए कलंकित होना पड़ेगा। इसलिए तब से ही भादो माह की शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन निषेध माने जाते हैं, जो इस बार 2 सितंबर दिन सोमवार की है। इसलिए बंधुओं, जाने या अनजाने में भी इस दिन चंद्र दर्शन न करें। अगर आपने गलती से चंद्र दर्शन कर लिया है तो तुरंत गणेश जी से माफी मांगें, गणपति जी के मंदिर जाएं, उन्हें दुर्वा चढ़ाएं, मोदक का प्रसाद चढ़ाएं और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करें। ऐसा भी माना जाता है कि जिसने भी भादो के शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं तो वह यह नियम ले कि एक वर्ष तक वह हर माह के शुक्ल पक्ष की दूज के चंद्र दर्शन करेगा। इस उपाय को करने से भी उसे इस गलती से मुक्ति मिलेगी। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी एक बार गलती से भादो माह के शुक्ल पक्ष के चंद्र दर्शन कर लिए थे तो उन पर भी चोरी का झूठा आरोप लगा था। अंततः जो भी गलती से चंद्र दर्शन कर लेता है तो वह इस कथा को अवश्य सुने। द्वारिका में भोजवंशीय राजा सत्रजीत राज्य करता था। उसने सूर्य भगवान को प्रसन्न कर सम्यंतक नामक मणि प्राप्त कर ली थी। उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि उसे धारण करने वाला दूसरे सूर्य के समान लगता था और वह मणि धारक को प्रतिदिन सोना देती थी। भगवान कृष्ण ने सत्रजीत से मणि लेने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। एक दिन सत्रजीत का भाई प्रसन्नजीत मणि को धारण कर जंगल में शिकार खेलने गया। वहां एक सिंह ने उसे मार दिया और मणि उससे ले ली। संयोगवश जामवंत रीच वहां पहुंच गया और उसने सिंह को मारकर मणि स्वयं प्राप्त कर ली और वहीं पास में स्थित अपनी गुफा में चला गया और मणि को खिलौना समझकर अपने बेटे को दे दी, जो कि उससे खेलने लगा। दूसरी तरफ जब प्रसन्नजीत कई दिन तक वापस नहीं लौटा तो सत्रजीत ने भगवान कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि ये मणि लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने मेरे भाई को मार कर मणि प्राप्त कर ली है। भगवान कृष्ण इस मिथ्या आरोप से दुखी हुए और मणि की तलाश में जंगल की तरफ चले गए। जब वे उस गुफा के पास पहुंचे जहां प्रसन्नजीत
का कंकाल पड़ा हुआ था और सिंह के पद चिन्ह गुफा की ओर इशारा कर रहे थे। तो कृष्ण जी उन पद चिन्हों का पीछा करते करते गुफा के भीतर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा एक बालक मणि से खेल रहा है। इतने में जामवंत भी वहां आ गया। उन्होंने मणि देने के लिए जामवंत से प्रार्थना की, परंतु जामवंत के इनकार करने पर दोनों के बीच 28 दिन तक युद्ध चला। इस बीच जामवंत को ये याद आ गया कि ये त्रेता के राम हैं जो द्वापर में कृष्ण रूप में हैं। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण से माफ़ी मांग, मणि उन्हें दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी कृष्ण जी के साथ कर दिया। उसके बाद कृष्ण जी जामवंती के साथ द्वारिका लौटे और मणि ले जाकर सत्राजित को सौंप दी। इस घटना से सत्राजित लज्जित हुआ। अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह सम्यंतक मणि उसने सत्यभामा को उपहार स्वरूप दे दी। इसलिए जो भी मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से इस कथा का श्रवण करेगा वह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने के पाप से मुक्ति पाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।